ताजा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाए। नमस्कार, मैं हूं कृतिका। स्वागत है आपका प्राइम न्यूज 24 में। खबर छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से है। कोरोना वायरस से बचाव और रोकथाम तथा यातायात को सुगम व सुरक्षित बनाने के लिए यातायात पुलिस द्वारा चालानी कार्रवाई लगातार की जा रही है। पुलिस ने कई वाहनों पर चालानी कार्रवाई की है। मामले की जानकारी देते हुए जगदलपुर CSP हेमसागर सिद्धार्थ ने बताया कि जिले में लागू धारा 144 का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिसमें मोबाइल फोन से बात करते गाड़ी चलाने वालों, तीन सवारी, हेलमेट का प्रयोग नहीं करने वालों, लापरवाही पूर्वक वाहन चालकों, बिना नंबर प्लेट वाहनों और उचित कागजात नहीं रखने वालों जैसे लगभग 59 वाहन चालकों के विरुद्ध मोटर अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए तकरीबन 27,400 रुपए से अधिक का समन शुल्क वसूल किया गया है। प्रभारी ने बताया इस तरह की कार्रवाई अभी लगातार जारी रहेगी। प्राइम न्यूज 24 के लिए राधा ताम्रकार की रिपोर्ट। बेसिकली जैसे कि ज्ञात है कि ज़िले में जो है कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए धारा 144 लागू की गई है, और इसके अतिरिक्त दिन में जो है सुबह 9 बजे से 5 बजे तक के लिए बाज़ार खोला जा रहा है। और इस दौरान जो है जो अनावश्यक घूमने वाले जो वाहन चालक हैं उनके विरुद्ध ज़िले में अभियान चलाकर कार्यवाही की जा रही है। और आज की स्थिति में जो है करीब 87 गाड़ियों की जो है मोटर यान अधिनियम के तहत जो है जब्ती कार्यवाही की गई है। इसके अतिरिक्त 60 से अधिक वाहनों पर जो है चालानी कार्यवाही की गई है, और करीब 2 वाहन चालकों के विरुद्ध शराब सेवन करते हुए जो है वाहन चलाने के संबंध में जो है प्रकरण दर्ज किया गया है। और कल तक की जो स्थिति है इसमें जो है 27,000 से अधिक राशि जो है समन शुल्क के तौर पर जो है वसूल किया गया है, जिसमें यह कार्यवाही जो है थाना कोतवाली, थाना बोधघाट, थाना परपा और यातायात शाखा के माध्यम से जो है शहर में यातायात व्यवस्था को नियंत्रित किया जा रहा है, और साथ में जो है अनावश्यक घूमने वाले लोगों को जो है अनियंत्रित किया जा रहा है।